गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, रिस्पेक्टेड लिसनर्स। मुझे कुली फिल्म का गाना याद आ रहा है कि पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। तो हमें भी चिल्लाने का शौक नहीं है, युवाओं की, साथियों की और भारत के वीरों की जान बचाने के लिए नंगे पैर खड़े हैं। चैनल दबाव समूह के रूप में लड़ाई लड़ रहा है, उनको न्याय मिले, कागजी कार्रवाई घटे, दुनिया भर की सब्सिडियां मिलनी नहीं चाहिए। मैंने जॉब राइट की बात की थी, हमें अधिकार दे दो 28,000 वेतन पर जॉब पाने का, जज और जेलर बनने का। इससे बड़ा वेतन नहीं चाहिए। आज से आप आवेदन लेना एफिडेविट के साथ शुरू कर दीजिएगा। हर पद के लिए आपको प्रार्थी उपलब्ध है। एक डीसी और कर्मचारी नेता के बीच विवाद में मुझे स्वयं देखने का अवसर मिला था। उन्होंने कहा कि आपके 5 महीने के वेतन पर मेरे पास योग्य लोग उपलब्ध हैं। कर्मचारी नेता का जवाब था इस अधिकारी को कि आपसे 20वें हिस्से के खर्चे पर मेरे पास आपसे योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं। मैं दावा करता हूँ, केंद्र और राज्य सरकार को बताना चाहता हूँ। बात उलझी और शांति से उसका निपटान कर दिया गया कि दोनों अपना अपना जैसा भी आवरण ढका रहने दो। तो पीछे की बातों में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमें सब्सिडाइज नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए उज्ज्वला योजना एक सिलेंडर, हमें नहीं चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति की छात्रवृत्तियाँ। बाबा साहब की सोच जो भारत का 70% 80% द्वारा आरक्षित है, EWS तक, भूतपूर्व सैनिकों तक, विकलांग भाइयों तक, जी विद स्पेशल नीड पर्संस, जो मैं कहना चाहता हूँ रुग्णता जिन साथियों के साथ भगवान ने किसी प्रकार कर रखी है, उन सभी की हौसला अफजाई के लिए रोजगार गारंटी योजना, जॉब राइट एट 28,000, मैंने बार बार बताया है। और ये नारा दबाव समूह के रूप में सरकारों से मांग करें, सरकारें श्रम करें, अनावश्यक कागजी बोझ घटे और जन सेवा बढ़े, राष्ट्र उत्पादकता बढ़े, बार बार बताया जा रहा है। इसको जागृति दिखाएं 18 से 60 वर्ष तक के बच्चे को, सॉरी युवा को, 18 से 60 वर्ष तक के जो युवा हैं उनको कोई आय में छूट की जरूरत ही नहीं पड़े, किसी प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं पड़े। जो राइट की बात आएगी, जो फॉर ऑल और 28,000, 28,000 रुपये जो सरकारें बांट रही हैं उसको जो रोज़गार चाहने वालों से डिवाइड करके देख लो, इससे अधिक नहीं है। और सेवा क्षेत्र सशक्त बनेगा, निजी क्षेत्र अपनी गतिशीलता बनाए रखी, उससे हमें कोई अलगाव नहीं है। परंतु जॉब राइट जो वीर और विद्वान घरों में घुटन महसूस कर रहे हैं, जिन किसान और मजदूर ने अपनी पसीने की कमाई के बल पर बच्चों को विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करवाई है, अब वो उनको ऐसा ना लगे कि हमारे यहाँ कोई नहीं है। नहीं, सरकारें सशक्त और समझदार बने, बादशाही रूप छोड़ें कि मुझे सेनापति वीर नहीं रिश्तेदार को बनाऊंगा, वहाँ से डोला लेकर आऊँगा, इस तरह की बातें अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सोचने से दूर है कि वो मेरे दल का है, मेरा रसोईया 20 साल का, ये नहीं चाहिए। यदि कोई ज़्यादा अपने आप को समझदार मानता है तो चैनल खुले बहस के लिए तैयार है। किसी भी स्तर का अधिकारी या जनप्रतिनिधि जॉब राइट को सभी समर्थन करें। मैंने ज़्यादातर विधानसभाओं की जो साइट सुन पर भेजा है कि सदन में चर्चा कर ली जाए, हो सकता है कि मेरी बात को अंतिम न मानकर सुधार की गुंजाइश हो कर ली जाए, परंतु ऐसा कभी ना हो कि लोगों की जवानी जो है घुटन और दुख बदल दी जाए, लोगों को अवसर दिया जाए। उन लोगों को ज़रूरत है,
और ज़रूरत राष्ट्र को भी, वो सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र और सेवा की ज़रूरत है, फिर बीच में कौन व्यक्ति जो उन्हें रुकावट बना खड़ा है, मैं उससे निवेदन करूँगा कि वो अपने रास्ते से हट जाए और सेवा करने वालों को और सेवा चाहने वालों को, इस राष्ट्र और इस प्रजा दोनों को नज़दीक आने दें और उनको सेवा करने का अवसर दें। आप अधिकार बनाइए, हमारी जनता को अधिकार लेना भी आता है। धन्यवाद।